you all are doing well. This is Umair. Welcome to my YouTube channel, The Legal Fountain. So in the previous video, we discussed the first two sections of Contract Act 1872. And in this lecture, we are going to discuss Section 3 to Section 10. So if you are new on my channel, so I request you to please subscribe my channel and hit the bell icon so that you may not miss any update. So let's get started. Section 3 hai jo iska first chapter hai. First chapter ka naam hai of communication acceptance and revocation of proposals. To uska section 3 kya bolta hai? Communication acceptance and revocation of proposal. To jo proposal hote hain wo ek jagah se dusri jagah कम्युनिकेट कैसे किए जाते हैं, मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ जो प्रपोज़ल भेजे जाते हैं वो कैसे भेजे जाते हैं, उसके बाद एक्सेप्टेंस के वो जो प्रपोज़ल्स होते हैं उनको एक्सेप्ट किस तरह से किया जाता है, कबूल कैसे किया जाता है, और उसका जो है रिवोकेशन मतलब उसको मनसूख कैसे किया जाता है, प्रपोज़ल को ख़त्म कैसे किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, तो इसको रीड करते हैं। Communication of proposals, acceptance of proposals and the revocation of proposal and acceptances respectively are deemed to be made by an act or omission of the party proposing, accepting or revoking by which he intends to communicate such proposal, acceptance or revocation or which has the effect of communicating it. तो basically section जो 3 है वो बताता है कि जो communication होती है किसी proposal की या उसकी एक्सेप्टेंस होती है या उसको जो मनसूख किया जाता है, रिवोकेशन होती है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये इंटेंशन पे, नियत पे बेस करती है पार्टीज़ की। जो पार्टी जो प्रोमिसर होता है, हमने जो फर्स्ट जो सेक्शंस पढ़े थे सेकंड सेक्शन में, उसमें सारी डेफिनेशंस दी गई थी, उसमें प्रोमिसर प्रोमिजी की उसकी भी डेफिनेशंस थी। तो वो जो होते हैं वो दोनों पार्टीज होती है, एक प्रोमिसर होता है एक प्रोमिजी होता है, तो ये दोनों जो होते हैं इनकी इंटेंशन पर जो है ये सारी चीज़ें बेस करती है, कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन। तो वो क्या मतलब वो क्या सोचते हैं, उनकी इंटेंशन के हिसाब से जो है ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सेक्शन 3 जो है बेसिकली इस चीज़ को डिफाइन करता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 4 पर, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। तो अब ये सारी इधर मिलाकर हमें चीज़ें दी गई थी और इधर सेपरेटली एक एक चीज़ को हम जो है डिस्कस करते जाएंगे। तो फर्स्ट जो हमारे पास है कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, तो कम्युनिकेशन जो होती है प्रपोज़ल की वो जो मुंतकली होती है एक जगह से दूसरी जगह तक, प्रपोज़र से जो होता है प्रोमिसर से प्रोमिजी तक कैसे होती है। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोज़ल इज़ कम्प्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज़ मेड। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि एक पार्टी है ए और एक पार्टी है बी, तो ए जो है बी को ऑफर करता है, प्रपोज करता है, प्रॉमिस करता है कोई चीज़ जो है उसको बेचने के लिए। मिसाल के तौर पर ए उसको ऑफर करता है कार बेचने के लिए, तो ये जो ऑफ़र है ये प्रपोज़ल है, ये क्या है, ये ए जो है बी को भेजेगा। तो वो उसके वेरियस मेथड्स हैं, वो उसको ईमेल भी कर सकता है प्रपोज़ल, उसको वो मैसेज के थ्रू भेज सकता है, उसको टेलीग्राम कर सकता है, उसको नोटिस भी भेज सकता है। तो मुख्तलिफ जो हैं इसके मेथड्स हैं प्रपोज़ल के। तो प्रपोज़ल हम बोलेंगे कि जो हमारा कम्युनिकेशन है प्रपोज़ल की वो कब कंप्लीट होगी, कि हम माने कि प्रपोज़ल हमारा कम्युनिकेट हो गया है प्रोमिसर से प्रोमिजी तक। तो इसमें बोलता है कि द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्स जो प्रपोज़ल है इज़ कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज़ मेड, कि जब ए जो पार्टी है प्रोमिसर है वो जब बी को प्रपोज़ल भेजेगा, नोटिस कोई भी भेजेगा, तो जब बी को जो है ये इस चीज़ की नॉलेज होगी कि ए ने मुझे जो है नोटिस भेजा है, प्रपोज़ल भेजा है, तो तब क्या हम बोलेंगे कि ये कम्युनिकेशन जो है इसकी प्रपोज़ल की वो कंप्लीट हो गई है, मतलब कि कम्युनिकेट हो गया प्रपोज़ल। तो ये फर्स्ट चीज़ है सेक्शन 4 की। उसके बाद बोलता है कि द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज़ कंप्लीट। अब जो एक्सेप्टेंस होगी, जारी बात है ए उसको बी को प्रपोज करेगा तो उसकी जो एक्सेप्टेंस होगी, असेंट होगी, वो बी देगा, तो वो कब कंप्लीट होगी। तो इसमें एक होता है एक
बी के तरफ से एक्सेप्टेंस एक होती है ए की तरफ से, तो बी की तरफ से एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी। इधर कहता है द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रोपोजर, एज अगेंस्ट द प्रोपोजर मतलब जो प्रॉमिस कर रहा है, ये ए पार्टी इधर, ये जो है ये प्रोपोजर है, ये है प्रोपोजर। When it is put in a course of transmission to him so as to be out of the power of the acceptor, जब A propose करेगा B को तो हम बोलेंगे communication of the proposal is complete, जब B को knowledge होगी इस बात की। उसके बाद जब B इसकी acceptance जो भेजेगा A को, तो जब B के power से निकल जाएगी acceptance, A तक पहुँच भले पहुँची ना हो, लेकिन B ने acceptance letter भेज दिया है, notice भेज दिया है, भले वो रास्ते में हो, तो हम बोलेंगे कि जो communication of acceptance है, acceptance की जो communication है वो as against the proposer वो complete होगी, क्योंकि B ने अपनी रजामंदी assent दिखा ली है, तो बी की तरफ से जो है एक्सेप्टेंस हो चुकी है। अब आते हैं द कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रोपोजर, ठीक है। अब फर्स्ट इसमें बताता है कि प्रोपोजर की कब कंप्लीट होगी, जब बी अपना जो है लेटर भेज देगा, और ये जो ए की तरफ से बी की तरफ से कब कंप्लीट होगी, बी की तरफ से तब कंप्लीट होगी जब ये लेटर ए तक पहुंच जाएगा, प्रोपोजर के पास जो प्रोमिसर है उसके पास एक्सेप्टेंस लेटर जब पहुंच जाएगा तो फिर हम बोलेंगे कि बी की तरफ से भी एक्सेप्टेंस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर लूं कि प्रोपोजल की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी, जब ए ने बी को प्रोपोजल सेंड किया और बी ने जो है बी की नॉलेज में आ गया, फिर बी जब एक्सेप्टेंस लेटर भेजेगा ए को तो भले वो रास्ते में हो, लेकिन हम समझेंगे कि प्रोपोजर के तरफ से जो है, जो प्रोपोजर है उसकी तरफ से, प्रोमिसर की तरफ से एक्सेप्टेंस हो चुकी है, और जब वो प्रोपोजर के पास पहुंच जाएगा फिर हम बोलेंगे कि एक्सेप्टर की तरफ से भी जो है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कम्प्लीट हो चुकी है। अब ये हमने दो चीज़ें देख ली, एक हमने प्रोपोजल की कम्युनिकेशन और उसके बाद हमने एक्सेप्टेंस की जो है कम्युनिकेशन देखी। उसके बाद हम आते हैं रिवोकेशन पर कि मंसूख कैसे करते हैं, वो कैसे होगा। तो मंसूख रिवोकेशन कैसे होगी, द कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कम्प्लीट एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट व्हेन इट इज़ पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड। अब इसमें दोनों की बात की है कि रिवोकेशन कब कम्प्लीट होगी, जब ये हम फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं दो पार्टीज़ का, ए और बी का, तो ए और बी ने जो है सारा मतलब कम्युनिकेशन प्रपोजल हर चीज़ कर ली है, अब इनका जो है वो बन गया है, एक एग्रीमेंट बन गया है, लेकिन ए जो है या बी कोई भी पार्टी हम लें, वो अपना जो है रिवोकेशन कैसे करेगा, अपने जो एग्रीमेंट है उसको रिवोक कैसे करेगा, तो वो अपनी जो है रिवोकेशन लेटर उसको भेजेगा बी को, और जब बी की तरफ लेटर जा रहा होगा, भले बी की नॉलेज में ना आया हो, बी की तरफ लेटर सेंड हो गया, प्रोपोजर की तरफ से सेंड हो गया, तो हम बोलेंगे रिवोकेशन कंप्लीट हो चुकी है। और सेम जो है बी की तरफ से भी ऐसे ही है कि हम जब बी रिवोक करना चाहेगा तो बी ए की तरफ जो है लेटर सेंड करेगा, वो रास्ते में ही होगा, लेकिन हम बोलेंगे कि बी की तरफ से रिवोकेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो इसमें नॉलेज की बात नहीं है, वो सिर्फ एक्सेप्शन में जो है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस उसमें ये बात की गई है। तो ये दोनों चीज़ें आ गई इसमें, तो इसमें एक प्रोपोजल भी हो गया, एक्सेप्टेंस भी होगी और रिवोकेशन भी होगी। एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड व्हेन इट कम्स टू हिज नॉलेज, तो ये वही बात इधर की है कि जब ए जो है ए की तरफ से रिवोकेशन भेजी गई है बी को, तो रास्ते में होगी, तो हम बोलेंगे कि बी की तरफ से रिवोकेशन जो है कंप्लीट हो चुकी है, और ए की तरफ से कब कंप्लीट होगी, जब बी के पास वो लेटर पहुंच जाएगा रिवोकेशन, तो फिर ए भी सेटिस्फाई हो जाएगा कि रिवोकेशन कंप्लीट, तो इसकी तरफ से भी हो जाएगी, इसकी तरफ से भी हो जाएगी। अब इसमें एग्जांपल एक दिया गया है, बहुत एग्जांपल्स हैं, हम एक एग्जांपल को देख लेते हैं, दूसरे आप खुद रीड कर लीजिएगा। इसमें एक इलस्ट्रेशन है कि ए प्रपोजेज बाय लेटर टू सेल अ हाउस टू बी एट अ सर्टेन प्राइस, द कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल इज़ कम्प्लीट व्हेन बी रिसीव्स द लेटर,
बोलता है कि ए जो है बी को प्रपोज करता है, अपना हाउस जो है सेल करना चाहता है, तो कम्युनिकेशन और प्रपोजल कब कंप्लीट होगी? जाहिर बात है जब ए का लेटर बी की नॉलेज में आ जाएगा, बी के पास रिसीव हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल इज़ कंप्लीट। उसके बाद बोलता है बी एक्सेप्ट एज प्रपोजल बाय अ लेटर सेंट बाय पोस्ट। तो अब जो बी है वो ए की ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है और क्या करता है, वो अपना एक लेटर जो है एक्सेप्टेंस लेटर वो ए को सेंड करता है। तो द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस is complete as against A when the letter is posted। तो जो proposer है उसकी तरफ से communication कब complete होगी, जब acceptor अपना letter जो है on the way send कर देगा promiser की तरफ। तो हम बोलेंगे कि proposer की तरफ से जो है communication complete हो चुकी है, और जो है promiser जो promisee है उसकी तरफ से कब communication of acceptance जो है complete होगी, जब प्रपोजर की नॉलेज में आ जाएगा कि एक्सेप्टेंस हो चुकी है प्रोमिजी की तरफ से। तो हम बोलेंगे कि प्रोमिजी की तरफ से भी जो है कम्युनिकेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये सिंपल है, बिल्कुल इजी है। और इसके बाद ये जो हमने रिवोकेशन भी डिस्कस किया था, रिवोकेशन का भी एग्जांपल है, ए रिवोक्स इज प्रपोजल बाय टेलीग्राम। ये एक मेथड है मैसेज सेंड जो है अपने मैसेज सेंड करने का। ए रिवोक्स इज प्रपोजल बाय टेलीग्राम, ए जो है अपना टेलीग्राम के थ्रू जो है प्रपोजल रिवोक करता है। द रिवोकेशन इज कम्प्लीट एज अगेंस्ट ए When the telegram is dispatched, तो जब A अपनी revocation भेजता है B को, तो revocation हम कब बोलेंगे कि revocation जो है वो जो agreement है वो मंसूख हो चुका है, हम कैसे बोलेंगे? जब वो on the way होगा, B की तरफ जा रहा होगा, तो हम बोलेंगे कि जो रिवोकेशन इज़ कम्प्लीट एज अगेंस्ट ए। तो हम बोलेंगे ए की तरफ से रिवोकेशन कम्प्लीट हो चुकी है। और बी की तरफ से हम कब बोलेंगे, प्रोमिजी की तरफ से हम कब बोलेंगे, जब बी की नॉलेज में वो लेटर पहुंच जाएगा, वो मैसेज पहुंच जाएगा, कम्युनिकेट हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि बी की तरफ से भी रिवोकेशन होगी, क्योंकि बी को फिर पता चलेगा जब उसकी नॉलेज में आएगा, तभी उसको समझ में आएगा कि हम जो है एक्स प्रोमिजर ने रिवोकेशन कर लिए। तो फिर इधर बोलता है बी रिवोक्स इज एक्सेप्टेंस बाय टेलीग्राम, ये भी इधर सेम ही वही बात बोलता है, इसमें बस वाइस वर्सा वाला चक्कर है कि इसको इसमें बस ए को उधर कर दो, बी को उधर कर दो, वही बात कर रहा है इधर। उसके बाद टाइम वेस्ट किए बगैर हम नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। उसके बाद है फाइव, सेक्शन नंबर फाइव, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। तो जो रिवोकेशन है उधर तो हमें बताया गया कि रिवोकेशन कैसे होती है, जो है रिवोकेशन कब होती है ये बताया गया है, लेकिन इधर जो है इसमें पूरा रिवोकेशन को डिफाइन किया गया है कि रिवोकेशन हम रिवोक कब कर सकते हैं। जाहिर बात है कि कोई उसका मखसूस टाइम होगा, हर वक्त तो हम उसको एक्सेप्ट करने के बाद हम डायरेक्टली तो नहीं कर सकते रिवोक, क्योंकि हमने अपनी एक्सेप्टेंस असेंट जाहिर कर लिए। तो इसमें उसकी जो है बताया गया है सारा प्रोसीजर। ए प्रपोजल में भी रिवोक at any time before the communication of its acceptance is complete as against the proposer but not afterward। बोलता है कि एक जो प्रपोजल है वो किसी भी वक्त रिवोक किया जा सकता है, किसी भी वक्त मंसूख किया जाता है किया जा सकता है, लेकिन बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कम्प्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। तो उसकी जो कम्युनिकेशन है एक्सेप्टेंस की, जाहिर बात है जब ए पार्टी है वो बी को उसकी जो प्रपोजल सेंड करती है, फिर उसके बाद जो बी है वो उसका अपना एक्सेप्टेंस लेटर भेजता है, तो हम बोलते हैं कि भाई बी की तरफ से जो मतलब ए की तरफ से जो है वो एक्सेप्टेंस हो चुकी है। फिर जब ए की नॉलेज में आ जाता है तो हम बोलते हैं कि बी की तरफ से भी एक्सेप्टेंस हो चुकी है। तो रिवोकेशन कब होगी, जब बी के पास प्रपोजल लेटर पहुंचेगा, उसकी नॉलेज में आएगा, और बी अपना एक्सेप्टेंस लेटर जब भेजेगा उसी टाइम। बोलता है कि एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। तो जो उसकी कम्युनिकेशन है वो इसमें एक जो है रिवोकेशन उसकी बताई गई है प्रोमिजर की तरफ से, एक प्रोमिजी की तरफ से। तो ये ऊपर वाली जो है प्रोमिजर की तरफ से, तो जब बी अपना रिवोकेशन लेटर एक्सेप्टेंस लेटर भेजेगा ए को, तो उस टाइम अगर ए चाहता है तो उसी टाइम पे या उससे पहले एक्सेप्टेंस लेटर जो है बी का आ रहा है उस वक्त या उससे पहले, उस लेटर के आने से पहले वो अपना रिवोकेशन लेटर भेज दे बी को कि मैं अपना जो प्रपोजल है उसको विथड्रॉ करना चाहता हूँ, रिवोक करना चाहता हूँ उसको
एग्रीमेंट को, और बोलता है कि बी की तरफ से कब कंप्लीट होगा, वो तो ए की तरफ से था। बी अगर रिवोक करना चाहता है तो अगर बी ने अपना एक्सेप्टेंस लेटर भेज दिया है फिर वो कहता है कि नहीं मुझे रिवोक करना है, तो वो कैसे करेगा? जब उसका रिवोकेशन लेटर रास्ते में होगा, एक्सेप्टेंस लेटर ए की तरफ जा रहा होगा, रास्ते में होगा, अभी तक उसके पास पहुँचा ना होगा, तो या उससे पहले उसके पहले पहुँच जाए वो लेटर, तो अगर वो उससे पहले पहुंच जाएगा रिवोकेशन लेटर ए के पास, तो हम बोलेंगे कि एक्स जो रिवोकेशन है वो बी की तरफ से होगी। उसमें बताया गया कि ए की तरफ से रिवोकेशन कब होगी, इसमें बताया गया कि बी की तरफ से कब होगी। तो सो सिंपल, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। उसमें इलस्ट्रेशन एक आती है, उसको हम देखते हैं कि ए प्रोपोजेज बाय लेटर सेंड बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू बी। ए जो है अपना लेटर प्रपोज़ल भेजता है घर अपना सेल करने का, किसको? बी को। उसके बाद वो पोस्ट की तरफ, पोस्ट की थ्रू भेजता है, बाय पोस्ट भेजता है। बी एक्सेप्ट द प्रपोज़ल बाय लेटर सेंड बाय पोस्ट। अब बी जो है एक्सेप्ट करता है और अपना जो है लेटर, एक्सेप्टेंस लेटर ए को भेज देता है, वो रास्ते में। अभी ए में रिवोक इस प्रपोजल एट एनी टाइम बिफोर एट द टाइम वेन द बी पोस्ट इज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बट नॉट आफ्टर। अभी जो ए ने अपना प्रपोजल भेजा ना, तो ए उस वक्त तक अपना रिवोकेशन लेटर भेज सकता है, या ए का एक्सेप्टेंस लेटर अभी तक रास्ते में हो, या उसका लेटर अभी तक निकला ही ना हो, उससे पहले ही अपना रिवोकेशन भेज दे कि मैं अब रिवोक करना चाहता हूँ। तो ये अगर वो भेज देगा तो फिर हम बोलेंगे कि रिवोकेशन हो गई है ए की तरफ से। और उसके बाद बोलता है कि नॉट आफ्टरवर्ड्स, फिर अगर वो पहुंच जाता है ए के पास, उसका बी का रिवोक एक्सेप्टेंस लेटर पहुंच जाएगा, फिर ए नहीं रिवोक कर सकेगा फिर, क्योंकि उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दिए। अब ए के पास कोई और चारा नहीं। अब बी की तरफ से बोलता है, बी में रिवोक इज एक्सेप्टेंस एट एनी टाइम बिफोर और एट द टाइम इन द लेटर कम्युनिकेटिंग इट रीचेज ए बट नॉट आफ्टर। अब जब बी है उसने अपना एक्सेप्टेंस लेटर भेज दिया है, ए को सेंड कर दिया है, और उसके बाद एक बी के जहन में आया कि मैं अब रिवोक करना चाहता हूँ, तो बी वो लेटर एक तक पहुँचने से पहले अपना रिवोकेशन लेटर भेज दे, और अगर वो पहले पहुँच जाए, इसका जो रिवोकेशन लेटर एक्सेप्टेंस लेटर से पहले पहुँच जाए, तो हम बोलेंगे कि बी की तरफ से रिवोकेशन हो गई है। तो ये बिल्कुल ईजी था। उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 6 पर, रिवोकेशन हाउ मेड। अब बोलता है कि उधर बताया गया प्रोसीजर के रिवोकेशन जो है वो किस टाइम पर हम कर सकते हैं, किस टाइम पर हम नहीं कर सकते। इसमें बताया गया है कि रिवोकेशन कैसे होती है। रिवोकेशन 6 में बताया गया है हाउ मेड, अ प्रपोजल इज़ रिवोक्ड बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द प्रपोजल टू द अदर पार्टी। प्रपोजल जो है फर्स्ट कैसे रिवोक होगा, कि जब प्रपोजल है, प्रपोजर है जो प्रोमिजर, वो अदर पार्टी जो प्रोमिजी है उसको अपना रिवोकेशन लेटर भेजेगा। अगर वो अपना रिवोकेशन लेटर भेजेगा और इस हिसाब से सेक्शन 5 के हिसाब से उसके पास पहुंचेगा, तो हम बोलेंगे कि रिवोकेशन हो गई। तो एक ये मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, बाय द लैप्स ऑफ द टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल फॉर इट्स एक्सेप्टेंस, और इफ नो टाइम इज सो प्रिस्क्राइब्ड बाय द लैप्स ऑफ अ रीजनेबल टाइम विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस। अब बोलता है या तो उसमें लैप्स ऑफ टाइम जो है वक्त का एक तकाजा उसमें रखा हो, जो उसने अपना प्रपोजल भेजा है ए ने, उसमें उसने ये एक चीज़ मज़ीद ऐड की हो कि अगर आप इस वक्त के अंदर अपना जो है एक महीने के अंदर, दो महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर, जो भी हो, जो भी टाइम उसमें प्रिस्क्राइब हो, उसके अंदर आपने अपना एक्सेप्टेंस नहीं भेजा, तो मैं समझूंगा कि आपको एक्सेप्टेंस नहीं करनी, आपने एक्सेप्टेंस नहीं देनी। तो ये उसमें अगर चीज़ है, तो अगर वो 15 दिन के अंदर अपना एक्सेप्टेंस नहीं शो करेगा, तो ए जो है समझ जाएगा कि उसे एक्सेप्टेंस नहीं करना, बी को एक्सेप्टेंस नहीं देनी। और दूसरा क्या है, एक रीज़नेबल टाइम, मतलब कि या तो अगर उसमें लैप्स ऑफ टाइम नहीं दिया गया प्रपोजल की तरफ से, प्रपोजर की तरफ से, तो रीज़नेबल टाइम मतलब एक मुनासिब वक्त, मतलब अगर वो एक्सेप्टेंस वो नहीं दे रहा, साल हो गया, 2 साल हो गए, तो ये एक रीज़नेबल टाइम गुजर गया है। अब एक ए समझ यही समझेगा, प्रोमिजर यही समझेगा कि शायद वो नहीं एक्सेप्टेंस देना चाहता, तो ये एक रीज़नेबल टाइम हो गया। अगर रीज़नेबल, वैसे रीज़नेबल पे बेस करेंगे, लेकिन अगर लैप्स ऑफ टाइम उस पर प्रिस्क्राइब होगा, उसमें लिखा होगा प्रपोजर की तरफ से, तो फिर हम लैप्स ऑफ टाइम पर जो है एक्ट करेंगे। उसके बाद ये दो हो गए, एक हो गया कि
प्रपोजल की तरफ से, प्रपोजल की तरफ से रिवोकेशन, दूसरा है उसकी जो है लैप्स ऑफ टाइम उसमें ऐड किया गया होगा तो भी वो रिवोक होगा, उसके बाद थर्ड है बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस, या तो एक कंडीशन जो है प्रपोजर ने एक्सेप्टर के लिए रखी है उस प्रॉमिस उसमें उस एग्रीमेंट में कि अगर उस प्रपोजल में कि अगर आप ये कंडीशन फुलफिल करेंगे तो मैं समझूंगा कि आपने मेरा जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्री कर लिया है, आपने एक्सेप्टेंस दे दी है। तो कोई भी कंडीशन हो सकती है, वो अपनी उसमें कंडीशन ऐड कर सकता है। अगर मिसाल के तौर पर जो है वो एक कार अपनी सेंड बेचना चाहता है तो उसकी वो की सेंड करता है, ए जो है बी को अपनी कार की सेंड करता है और उसके साथ एक फ्लावर भी सेंड कर देता है। तो बोलता है अगर आपने जो है प्रपोजल में लिखता है कि अगर आपने ये फ्लावर अपने पास रख लिया तो मैं समझूंगा कि जो है ये एक्सेप्टेंस जो है आप मतलब आपने एक्सेप्टेंस दे दी है। तो अगर वो फ्लावर अपने पास नहीं रखता, वो फ्लावर वापसी उसको वापस सेंड कर देता है तो वो समझ जाएगा कि इसने कंडीशन फुलफिल नहीं की, फ्लावर अपने पास नहीं रखा कि मतलब उसका कि वो एग्री नहीं करना चाहता। तो कोई भी कंडीशन हो सकती है, एक एग्जांपल मैंने दे दिया। उसके बाद एक उसका लास्ट जो है रिवोकेशन का टाइप आता है, क्या है, बाय डेथ और इंसेंटी ऑफ द प्रपोजर इफ द इफेक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसेंटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस। अब या प्रपोजर मर जाता है या जो प्रोमिजर है वो इंसेन मतलब वो अपनी ज़हनी हालत जो है उसकी मेंटली जो हालत है वो ख़राब हो जाती है, वो ल्यूनेटिक बन जाता है, एक इंसेन पर्सन बन जाता है, उसका ज़हनी तोज़न ख़राब हो जाता है या वो मर जाता है। तो इस जो ये फैक्ट है उसकी डेथ का या उसकी इंसेंटी का वो जब एक्सेप्टर की नॉलेज में आएगा, एक्सेप्टेंस बिफोर एक्सेप्टेंस, क्योंकि जो उसकी एक्सेप्टेंस है प्रपोजर की प्रोमिजी की वो पहुंची ना हो उसके पास एक्सेप्टर की तरफ और उसको पता चल जाए कि जो है ये इसकी डेथ हो गई है या ये इंसेन हो गया है तो हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, वो एग्रीमेंट जो है वो रिवोक हो गया। लेकिन अगर उसकी एक्सेप्टेंस लेटर उधर पहुंच जाता है तो फिर इसमें दूसरी चीज़ें आ जाएंगी कि उसके जो लीगल फिर हीयर्स होंगे वो इस कॉन्ट्रैक्ट को अदा करेंगे, क्योंकि वो उनको हर चीज़ जो प्रॉपर्टी वगैरह होती है हर चीज़ वो उस बंदे की मिल रही होती है, तो उसके अलावा उसको उसके जो ओब्लिगेशंस ड्यूटीज़ भी उन्हीं को अदा करनी होती है, तो ये चीज़ आ जाती है। लेकिन अगर बिफोर एक्सेप्टेंस उसको पता चल जाएगा एक्सेप्टर को तो फिर वो रिवोक हो जाएगा उसी वक्त वो एग्रीमेंट प्रपोजल। उसके बाद सेक्शन 7 पे आते हैं, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट इन ऑर्डर टू कन्वर्ट a proposal into a promise, the acceptance must be absolute and unqualified. अब बोलता है कि जो acceptance है वो बी की तरफ ए जो प्रोमिजर है सॉरी प्रोमिजी है उसकी तरफ से जो एक्सेप्टेंस होगी वो उसमें कुछ कंडीशंस लिखी गई हैं कि वो क्लियर हो कि वो जो अपनी एक्सेप्टेंस दे रहा है उसको उसमें कोई एम्बिग्यूटी ना हो, एब्सोल्यूट ना हो, वो मतलब क्लियर हो, उसमें कोई ऐसी कन्फ्यूजन ना हो जो एक्सेप्ट प्रोमिजर को कन्फ्यूज करे, वो अपनी क्लियर अपनी असेंट दे। उसके बाद बोलता है कि अनक्वालिफाइड हो, अनक्वालिफाइड मतलब विदाउट कंडीशन, मतलब ए ने उसको बी को बोला कि मैं आपको अपनी कार बेचना चाहता हूँ तो बी ये नहीं बोल सकता कि मैं कार पे राज़ी हूँ, उसके साथ मुझे बाइक भी चाहिए, आपकी बाइक भी जो है मैं खरीदूँगा, तो ये कंडीशंस वो अपनी नहीं उसमें ऐड कर सकता, क्योंकि जो उसने प्रोमिजर ने प्रपोजल सेंड किया है अगर उसको एक्सेप्ट करना है तो वो करे, अगर ना करना है तो फिर वो उसको ना करे, लेकिन उसमें वो अपनी कंडीशंस नहीं ऐड कर सकता और उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं पैदा कर सकता। उसके बाद बोलता है कि बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर अनलेस द प्रपोजल प्रिस्क्राइब द मैनर इन विच इट इज़ टू बी एक्सेप्टेड, इफ द प्रपोजल प्रिस्क्राइब्स अ मैनर इन विच इट इज़ टू बी एक्सेप्टेड एंड द एक्सेप्टेंस इज मेड इन सच मैनर the proposer is not made in such manner, the proposer may within a reasonable time after the acceptance is communicated to him insist that his proposal shall be accepted in the prescribed manner and not otherwise, but if he fails to do so he accept the acceptance. ab isme kya hai, ye kafi zyada likha hua hai isme material, lekin isme simple baat karta hai ki jab p ke paas letter aata hai to agar
उसमें कुछ मैनर जो है उसको एक्सेप्ट करने का कोई मेथड है जो ए की तरफ से दिया गया है कि आपने इस तरह से इसको अपनी एक्सेप्टेंस देनी है। मिसाल के तौर पे ए बोलता है कि आप अगर एक्सेप्ट करना चाहते हैं मेरी जो प्रपोज़ल को, तो आपने मुझे जो एक्सेप्टेंस लेटर है वो बाय पोस्ट भेजना है। अगर वो बाय पोस्ट नहीं भेज रहा, वो बाय ईमेल या एक्सेप्टेंस लेटर जो है उसका बाय मैसेज या कोई और मेथड की तरह थ्रू वो ए को भेजता है, तो अब उसने क्या किया, उसकी जो कंडीशन थी प्रिस्क्राइब जो मैनर था उसको उसने वॉयलेट कर लिया है प्रोमिजी ने। अब ए पर डिपेंड करता है कि या ए जो है अगर देखता है कि प्रोमिजी जो है उसने ये चीज़ फुलफ़िल नहीं की, तो उस टाइम पे वो उसको ये बताए कि आपने ये चीज़ फुलफ़िल नहीं की और इसको फुलफ़िल करो, क्योंकि ये अब बर्डन जो है ये आ जाता है प्रोमिज़र पर कि वो अगर देखता है कि इसने एक्सेप्टेंस सही नहीं की, तो उसको बोले कि आपने एक्सेप्टेंस में ये मिस्टेक की है। अगर नहीं बोलेगा, खामोश रहेगा, तो फिर उसको उस चीज़ को एग्री करना पड़ेगा, फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक ही काम है उसको इंसिस्ट करे कि आपने ये चीज़ मिस्टेक की है और इसको आप सुधारो। तो ये एक एक्सेप्शन इसमें दी गई है, लेकिन मतलब इसमें सारा ये बताया गया कि प्रिस्क्राइब मैनर जो ए ने बताया है, प्रोमिज़र ने बताया है, वही उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं सेक्शन एट पर। सेक्शन एट बोलता है एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसिडरेशन। ये भी उन सेक्शंस की तरह ही है, कंडीशंस और कंसिडरेशन पे बता रहा है कि एक्सेप्टेंस जो है वो या शराइत जो है उनमें प्रपोज़ल में है उनको कबूल करने से, या कोई कंसीडरेशन है उसको हासिल रिसीव करने से एक्सेप्टेंस हो जाती है। वो कैसे होगी, परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशंस ऑफ अ प्रपोज़ल आर द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंडीशन फॉर अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस विच मे बी ऑफर्ड विथ अ प्रपोज़ल इन एन एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोज़ल। अब बोलता है कि आप अगर कोई ऐसी कंडीशन है, शराइत है किसी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी प्रपोज़ल में, आप उसको फुलफ़िल करते हैं, अगर आप उस चीज़ को उस तरह से आप उसको फुलफ़िल करते हैं, तो फिर जो है आप कंसीडरेशन या कोई भी चीज़ जो है उसकी हासिल करने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि आपने किसी चीज़ की एक्सेप्टेंस दी है और जो बंदा उसकी गारंटी ले रहा है, वो गारंटी कर रहा है, तो फिर वही उस पर लाइबल होगा, वही बंदा लाइबल होगा। अब इसमें एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि इसमें सेक्शन एट की हमने एक एग्जांपल लिखी है कि ए प्रपोजेस इन मार्केट टू सेल हिज प्रोडक्ट एंड इफ़ एनी प्रॉब्लम अराइजेज ड्यू टू हिज प्रोडक्ट देन वी विल बी लाइबल। बी एक्सेप्ट द प्रपोजल बाई यूजिंग प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन देन बी इज़ परफॉर्मिंग कंडीशन। अब इसमें बता रहे हैं कि ए है वो अपनी कोई प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ ले लेते हैं, कोई क्रीम ले लेते हैं या कोई ऐसी कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं, वो बेचता है मार्केट में और बताता है कि अगर आप जो है इसको इसकी जो डिस्क्रिप्शन दी गई है उसके हिसाब से आप इस चीज़ को यूज़ करेंगे, और अगर आप उसमें आपको कोई नुकसान होगा, कोई आप मसला होगा आपके लिए, तो फिर उसकी जो है कंपनसेशन हम खुद करेंगे, वो ए बता रहा है। फिर अगर उस पर बी कोई दूसरा पार्ट दूसरी पार्टी है बी उस पर अमल करके चलता है और उसको कोई लॉस होता है उस प्रोडक्ट की वजह से, तो फिर जो प्रोमिज़र है जिसने ये सारा जो है गारंटी ली थी वही जो है लायबल होगा, क्योंकि प्रोमिजी जो है उसने अपनी कंडीशंस फुलफ़िल की हैं, उसने उस चीज़ को उसी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से यूज़ किया, अब जो है उसने एक्सेप्टेंस दे दी है अपनी, और एक्सेप्टेंस दी है तो अगर वो वायलेट करेगा बंदा, तो फिर वो जो है वही लायबल होगा इस चीज़ पर। तो ये कंडीशन हो जाती है, या कोई कंसीडरेशन कोई लेता है किसी चीज़ के लिए, कोई ऐसी चीज़ ले रख लेता है अपने पास, तो फिर ये एक्सेप्टर प्रोमिज़र जो है वो समझेगा कि इसने मेरा जो है प्रॉमिस जो है वो फुलफ़िल किया है, और वो अपनी जो है एग्रीमेंट दे रहा है, अपनी असेंट दे रहा है। तो ये दो चीज़ें इसमें बताएगी, एक कंडीशन कि यहाँ कोई कंडीशन फुलफ़िल करेगा कोई प्रोमिजी, तो फिर समझा जाएगा कि प्रोमिजी ने अपनी असेंट दी है, अपनी एक्सेप्टेंस दी है, या अगर वो कोई जो है कंसीडरेशन जो है प्रोमिज़र की तरफ से वो एक्सेप्ट करता है, फिर भी हम समझेंगे कि ये इसने अपनी एक्सेप्टेंस दी है। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस थी जिसमें एक्सेप्टेंस हो सकती है। उसके अलावा जो है अब बताया जा रहा है कि एक्सेप्टेंस जो है वो
कितने किस्म की होती है। तो सेक्शन 9 में बताता है जो प्रोमिस है वो दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं एक्सप्रेस, एक होते हैं इम्प्लाइड। अब देखते हैं एक्सप्रेस कौन से होते हैं और इम्प्लाइड कौन से होते हैं। इन सो फार एज द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रोमिस इज मेड इन वर्ड्स द प्रोमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस। तो अगर कोई जो है प्रपोजल, कोई प्रोमिस जो है वो यहाँ रिटन फॉर्म में हो, लिखा हुआ हो, बाय वो जो नोटिस फॉर्म में कोई लिखा प्रपोजल ए बी को सेंड करेगा, ये हम बोलेंगे एक्सप्रेस है, या ए बी को थ्रू ओरल जो ओरली माउथ की थ्रू जो है वो बी को बोलेगा कि मैं आपको प्रपोज कर रहा हूँ, लेटर भेज रहा हूँ, ऑफ़र कर रहा हूँ, तो फिर हम बोलेंगे कि ये दोनों जो मेथड हो गए, एक रिटन और एक ओरली, ये क्या हो गए, ये एक्सप्रेस हो गए। लेकिन इम्प्लाइड कौन से होते हैं? इम्प्लाइड होते हैं इन सो फार एज सेट प्रपोजल एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स द प्रोमिस इज सेट टू बी इम्प्लाइड। जो अदर देन वर्ड्स या अदर देन मतलब ओरली या अदर देन रिटन फॉर्म होगा उसको हम बोलेंगे इम्प्लाइड। तो इम्प्लाइड मतलब कैसे होगा, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, इम्प्लाइड कंडीशन कैसी होगी। मिसाल के तौर पर ए, इसमें एग्जांपल है, ए सेंड्स अ क्लोथ टू बी एज अ ऑफर एंड बी डज नॉट एक्सेप्ट द ऑफर बाय एनी एक्सेप्टेंस लेटर एंड बट बी गिव्स दैट क्लोथ टू टेलर फॉर स्टिचिंग, दिस इज इम्प्लाइड प्रोमिस। अब ए बी को प्रपोजल भेजता है कि मैं ये चीज़ आपको भेजना चाहता हूँ, क्या भेजता है, वो क्लोथ उसको भेजता है सैंपल उसको दिखाने के लिए। तो वो क्या करता है, बी अपना एक्सेप्टेंस नहीं भेजता, बी अपना लेटर नहीं भेजता, बी क्या करता है उसको क्लोथ को क्या है वो टेलर को दे देता है कि इसमें से कोई सूट बनाओ। तो उसने क्या किया, एक ऐसी कंडीशन फुलफ़िल की, एक एम्प्लाइड कंडीशन फुलफ़िल की, उसने ना ओरली एक्सेप्ट किया ना रिटन फॉर्म में एक्सेप्ट किया, लेकिन उसने एक कंडीशन फुलफ़िल की जिससे हम ये समझेंगे कि उसने एक्सेप्टेंस दी है अपनी, बी ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। अब जो है ये न्यू जैसे चैप्टर स्टार्ट होता है, इसका हम एक सेक्शन जो है 10 सेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है हम नेक्स्ट सेशंस में देखेंगे। 10 सेक्शन है व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्टेक्स्ट। अब बोलता है कि कौन से जो एग्रीमेंट्स हैं वो कॉन्टेक्स्ट होते हैं। जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं दो पार्टीज या दो से ज़्यादा पार्टीज के बीच में, वो कौन से एग्रीमेंट्स कॉन्टेक्स्ट बनते हैं। तो ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्टेक्स्ट इफ़ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। हर जो है एग्रीमेंट वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगरचे वो उसमें जो कंसेंट क्या होती है, कंसेंट मतलब उसकी रजामंदी, असेंट, कंसेंट ऑफ द पार्टीज टू कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो जो पार्टीज हों उनकी जो रजामंदी हो वो क्या हो, फ्री हो, मतलब उनको कोई फोर्सली कोई उनको उनकी रजामंदी ना ले रहा हो, तो वो जो हों पार्टीज हों वो कॉम्पिटेंट हों, मतलब वो मेजर हों, वो समझ सकते हों, इंसेंट ना हों, ल्यूनेटिक ना हों। तो ऐसी पार्टीज़ जिनकी कंसेंट फ्री हो, रजामंदी उनकी आज़ाद हो, अपनी मर्ज़ी से वो रजामंदी दे रहे हों और वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो। और दूसरी क्या चीज़ है, दूसरी कंडीशन क्या है, फॉर अ लॉफुल कंसीडरेशन। और जो कंसीडरेशन है हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ऐसी को इलीगल चीज़ ना हो, जैसे वाइन हो गया या जैसे ड्रग्स हो गई, ऐसी कोई चीज़ जो इलीगल ना हो। तो कंसीडरेशन जो ऑब्जेक्ट हो वो इलीगल ना हो, उसके बाद एंड विथ अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये भी एक ही बात होगी। लॉफुल ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज़ लॉफुल कंसीडरेशन होती है, मतलब एक बंदे की दूसरे के लिए क्या होगी, कंसीडरेशन होगी, और वो उसी को हम ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं कि वो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कोई ऐसी वैसी चीज़ ना होनी चाहिए। और एंड आर नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। और जो है वो अभी तक जो है किसी कॉन्ट्रैक्ट में और किसी रूल के तहत उस एग्रीमेंट को जो है वॉइड ना करा दिया हो तो उसको हम बोलेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। तो वो ये चीज़ें जो हैं इसमें मेंशन की गई हैं, ये चीज़ें अगर होंगी या ना होंगी तो जो है हम बोलेंगे कि वो एग्रीमेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। उसके बाद बोलता है देयर एक्सेप्शन दियर नथिंग हियर इन कंटेंशियल अफेक्ट एनी लॉ एनफोर्स इन पाकिस्तान एंड नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली रिपीट बाय विच एनी कॉन्ट्रैक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन रिटन और इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस और एनी लॉ रिलेटिंग टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो बोलता है कि कोई भी सेक्शन में बात जो है वो किसी लॉ जो है पाकिस्तान में जो लॉ है, स्टेट्यूट है या कोई भी, उसके जो है कंट्राडिक्शन में नहीं है, उसकी मुखालफत नहीं करेगा और उसमें
ज़्यादा बताता है कि इफ़ देर इज़ अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट कंटेनिंग साइंस ऑफ विटनेसेस एंड इट मस्ट बी ड्यूली रजिस्टर्ड अंडर लॉ देन इज़ नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ कंसिड्रेशन। तो ये इसमें कंसिड्रेशन की बात कर रहा है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो जो रिटन फॉर्म में हो और उसमें विटनेसेस जो शायद होते हैं उनकी साइन वगैरह हो, तो हमें फिर उसमें कंसिड्रेशन की ज़रूरत नहीं है। हम क्योंकि कंसिड्रेशन तो एक मेन पार्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट का, लेकिन अगर उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं तो फिर भले कंसिड्रेशन ना हो, हम बोलेंगे कि वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये इसमें ये सारी चीज़ें आ गई। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है ये इसको मज़ीद देखेंगे कि फ्री कंसेंट क्या होती है और कौन से बंदे जो है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट कौन से लॉफुल होते हैं, कोई कौन से जो है अनलॉफुल होते हैं। तो अब तक के लिए ये लेक्चर जो है ये काफ़ी ही लेंदी हो गया है, और अब तक के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम ज़्यादा मज़ीद जो है अपने सेक्शंस कवर करेंगे। और आप अगर आपने मेरे चैनल को उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो है दबा लें ताकि आपको मेरी हर जो अपकमिंग जो वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।